फ्रेंड्स, इस वक्त मैं जसपुर से थोड़ी दूर में है फ्रेंड्स लोरो घाट में, लोरो घाट में हूँ फ्रेंड्स। आज मैं दिखाता हूँ लोरो घाट का मंदिर। आज देवठान भी है फ्रेंड्स, तो मैं यहीं पे दर्शन करने आया हूँ शिव मंदिर का। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना है लोरो घाट में ही डायरेक्ट। आप देख सकते हैं शेष नाग की आकृति में बना यह मंदिर, बहुत खूबसूरत है लोरो घाट का यह मंदिर है। मैं भी यहाँ पे रोड से तो गुजरता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मैं कभी मंदिर में अंदर जाके देखा नहीं। आज मैं जाके दिखाता हूँ आपको भी, और मैं खुद भी जा रहा हूँ फ्रेंड्स। पत्थर में शिवलिंग बने हुए हैं। और भाई लोग कहाँ से आए हैं आप लोग? बगजा से आए हैं। अच्छा, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह है यहाँ पे। यहाँ पे मंदिर में मिल गए मुझे भाई लोग। और भाई, मेरा नाम है जयमंगल और मैं गढ़रामबंद का हूँ। आज जो देवठान है तो हम लोग आए हैं घूमने के लिए इधर। जी, तो देवठान उपवास किए हैं आप लोग? हाँ। ओह, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मंदिर है, काफी अच्छा मंदिर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पानी है, हाथ धो लेता हूँ। वो राय डी गया था, राय डी तो। हाँ चलो मिलते हैं। सर्व मंगले मंगले शिव साधिके शरणे गोविन्दे देव शांति कुल शांति समीराहु केतु सर्वो ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम नमः शिवाय। जय बाबा। तो बाबा प्रणाम। कल्याण भवन नमः। तो बाबा हमें कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ जसपुर के शांति सुख समृद्धि के लिए, हम सब जसपुर वासी को कुछ। जसपुर वासियों जितने भी हैं, कोई भी धर्म को मानने वाले हैं, जी जी, सबको शांति के लिए बाबा के साथ में यार डेली की प्रार्थना है। जी जी जी, सबको सुख शांति दें, सबको सद्बुद्धि दें, सब आदमी को अच्छा स्वभाव, अच्छा रहन सहन, अच्छा सब कुछ काम चले है यानी यथा योग्य सबको कल्याण करते रहें और अपने को भी करते रहें। इसी प्रकार कहा गया है एक ठो, श्री राम चंद्र कृपाल भजु मन हर। फ्रेंड्स, ये लोरो घाट के बाबा जो हैं, ये पंडित जी जो हैं, ये हमें अच्छी अच्छी बात बताए जसपुर के सुख समृद्धि के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए, और अच्छे अच्छे श्लोक सुनाए जिससे मन में काफ़ी शांति मिला। अमित छवि नौमी जनक हर हर महादेव।
काफी शांति प्रदान करता है श्लोक बाबा जी, काफी शांति लगता है सुनने से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मन को शांति मिलती है फ्रेंड्स यहाँ पे दर्शनीय स्थल तीर्थ स्थल और विशेषकर भगवान के मंदिर में आके तो काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है। यहाँ पे मैं मिला, बाबा से भी मिला और यहाँ के मंदिर का दर्शन भी कर लिया फ्रेंड्स। अब निकलता हूँ जसपुर के लिए। बाकी हमारे जसपुर का यह लोरो घाट का मंदिर कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अक्सर देखा होगा कि शिव जी के मंदिर में नंदी बैल हमेशा रहती है, तो यहाँ भी नंदी बैल यहाँ पे हैं विराजमान। हमारे नंदी बाबा आप देख सकते हैं विशाल रूप में बनाया है यह नंदी बाबा, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। बाकी यहाँ का मंदिर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा मंदिर बना है, अभी नया मंदिर बना है और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। फ्रेंड्स मैं लोरो घाट का एक वीडियो बनाया था जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया था फ्रेंड्स, उसमें सिर्फ रोड का बनाया था लोरो घाट का, उसमें करीब 1.5 लाख से ऊपर व्यूज आए हैं। आपने ज़रूर देखा होगा हमारे लोरो घाट का वीडियो। तो मैं आज मंदिर का भी वीडियो बनाया हूँ आप लोगों के लिए, काफ़ी दिनों से मनसा थी यहाँ पर आने की और दर्शन करने के लिए और आज वो मनसा भी पूरी हो गई, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर मंदिर में आके। बाकी निकलते हैं हम, पहले यहाँ पे पुराना मंदिर था, इस रोड चौड़ीकरण हुआ तो इसको तोड़ा गया है, उसके बाद इस मंदिर भव्य मंदिर को बनाया गया है। यहाँ पे पूरा शेष नाग की आकृति में बना हुआ है, आप देख सकते हैं शेष नाग ऊपर से टिकाए हुए हैं, शिवलिंग का शिवलिंग आकृति से बना हुआ है आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आज देवठान है, तो देवठान के उपलक्ष्य में आज भी हमारे कॉलोनी में पूरे रंग बिरंगे लाइट लगाई गई है, आप देख सकते हैं दिया जलाए हैं अपने अपने घर में और रंगोली भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं पूरे कॉलोनी को सजाया गया है फ्रेंड्स पूरे लरी के लाइट के माध्यम से। और इस उपलक्ष्य में हमारे घर में भी मेरी वाइफ यहाँ पे रंगोली बनाई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अच्छी रंगोली बनाई है, आप देख सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि रंगोली कैसी है। यहाँ पे एक बनी है रंगोली और एक रंगोली यहाँ भी बनी है, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ भी एक रंगोली बनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया भी जल रहा है।